प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 15 मैथ्स क्लास 9 की वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम में। आज के वर्कशीट में हम लोग इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करना सीखेंगे इरेशनल नंबर का। उससे पहले बच्चों देखिए, आप जानते ही हैं कि 20 + 15 कितना होता है, 35। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ना, लेकिन इसमें आप ये जानिए कि आपको पता है कि 20 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और 15 भी रैशनल नंबर है। जो आंसर आया वो भी रैशनल नंबर है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी जो आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ऐड करते हैं दो रैशनल नंबर को, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड में एक्सेप्ट जीरो, तो हमें जो है रैशनल नंबर ही मिलता है ना, दो नंबर का। बट क्या ये इरेशनल नंबर के लिए भी ट्रू है? चलिए देखते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 8√3 + 7√2 एंड 5√3 - 3√2। इसको हमें ऐड करना है, एंड मतलब ऐड, आप ऐड कीजिएगा। तो ऐड करेंगे जो लाइक टर्म है, जैसे 8√3 या 5√3 एक साथ लिख लेंगे, 8 5 सीधे ही ऐड हो जाएगा 13 √3। ठीक वैसे ही 7√2 एंड 3√2 माइनस में है, तो ये हम 7 में से 3 माइनस कर देंगे, 4√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो आंसर आया है इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रूट से बाहर तो आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात हमने देखी कि दोनों ही टर्म अलग अलग है, √3 और √2 वाले हैं, तो इनको ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब इस तरह की कोई भी डिजिट हो, अगर सेम है रूप में तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, एज इट इज हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। चलिए लेट्स ट्राई, सॉल्व करते हैं इसको। 25√2 एंड 6√2 को अगर हम ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे, 25 + 6√2। ठीक है, तो कितना होगा, 31√2। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, 7 - √23 + √23। देखिए, एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों सेम है, कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है? सी पार्ट देखिए, 17√11 - 3√11 है, माइनस करना है, तो सेम टर्म है ये, तो हम क्या करेंगे इससे, 17 - 3√11 ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 14√11। नेक्स्ट इज डी। डी क्या है, माइनस करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2√2 + 5√3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो माइनस का √2 माइनस और माइनस, प्लस का 3√3। अब सेम जो है उसको एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे अगर 1 लगाते हैं तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1√2 प्लस ये वाले सेम है, तो ये प्लस के हैं, 5 + 3√3। 2 में से 1 गया, 1 आ गया 1√2, और 5 और 3 कितना होता है, 8√3। क्लियर है? तो 1√2 लिखे या √2 लिखे एक ही बात है, ये आंसर आए। तो सिंपल हमने ऐड करना सीखा और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब किसी भी, आप यहाँ पे देख रहे हैं इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों देखेंगे। हम ये जानते हैं कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल ही आता है, 15 है, रैशनल है, पॉइंट में हो चाहे तो भी 7.2 को हम 72/10 ले सकते हैं, रैशनल है। डिवाइड कर रहे हैं 16 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो रैशनल। 4.2 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1.4 आएगा, इसको हम ले सकते हैं 14/10, रैशनल है ये। यानी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? चलिए, व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर, एग्जांपल से समझते हैं। पहला देखिए, √2 और √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही इरेशनल है, दोनों को एक ही रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं 2 × 3 √6 आ गया। √6 क्या है, इरेशनल नंबर, हमने इसमें मल्टीप्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों सेम डिजिट लेते हैं, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
तो हम देख रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पर रूट में चला जाएगा, दोनों रूट पेयर बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर आ गया, तो टू टू जो रूट से बाहर आ गया, टू को हम टू बाय वन लिख सकते हैं पी बाय टू के रूप में, तो टू इज अ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लाई केस में हमने देखा कि दोनों ही चीजें हमें मिल सकती हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों ही चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं आंसर के रूप में। चलिए डिवाइड देखेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ऐसे हो तो कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले रूट टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे थ्री रूट टू, ठीक है, ये बिना रूट का और वो रूट का, ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखा जाए। फिर रूट टू को जब रूट फाइव से करेंगे, दोनों ही रूट के हैं तो हम ऐसे लिखेंगे रूट टू इंटू फाइव यानी रूट टेन, ठीक है, इन दोनों केस को ध्यान से देखना। फिर थ्री को रूट थ्री से करेंगे मल्टीप्लाई, थ्री रूट थ्री आएगा ना कि नाइन। फिर रूट थ्री को रूट फाइव से करेंगे, दोनों ही रूट के हैं तो फिफ्टीन हो जाएगा। तो इट इज जो भी आंसर आया हमारा, ये आंसर आप यहाँ लिखेंगे, ये क्या आया है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब डिवाइड का देखते हैं केस, ये भी मल्टीप्लाई का ही केस था। डिवाइड में देखिए थ्री रूट थ्री अपॉन रूट थ्री है, तो हम थ्री रूट थ्री अपॉन रूट थ्री देंगे, इससे कट जाएगा, थ्री आ गया, थ्री को हम पी बाई टू में ले सकते हैं, तो थ्री इज अ रैशनल नंबर। तो हमारे सामने हमने देखा कि दोनों ही केस आ गए रैशनल और इरेशनल के, ठीक है, ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में रैशनल में गया, अब डिवाइड में रैशनल आ चुका है, फिफ्थ में देखते हैं क्या आता है। डिवाइड कर रहे हैं रूट टेन रूट टू का डिवाइड करना है, एक साथ रूट में हम लिख देंगे टेन बाय टू, फाइव आ जाएगा, फाइव वो भी रूट में आया बाहर नहीं आया, रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो यानी हमने देखा कि दोनों केस जो डिवाइड के हैं उसमें रैशनल इरेशनल हमें मिल रहा है, यानी हमने क्या देखा कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें हमारे पास दोनों केस आ सकते हैं रैशनल और इरेशनल। जब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, कैन वी गेट अ इरेशनल नंबर, क्या हमें कोई इरेशनल नंबर मिल सकता है अगर दो रैशनल को मल्टीप्लाई करें तो, नहीं। एग्जांपल देखिए, हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं टू इंटू फाइव, दोनों इरेशनल है, टेन टेन इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है ही नहीं, जब ये इरेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नहीं मिलेगा। सेकंड क्या है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या हमें रैशनल मिलेगा, यस मिल सकता है। देखिए दो इरेशनल नंबर कोई से ले लीजिए, टू और टू ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको रूट में हम लेके जाए टू इंटू टू, टू बाहर आ गया विच इज अरेशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन थ्री के सॉल्व करते हैं, सभी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट क्या है, रूट टेन थर्ड का ए, रूट टेन को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, तो एक जैसे है रूट में हम मल्टीप्लाई में इसको लिख देते हैं एक साथ ऐसे, टेन इंटू फाइव, टेन को हम कैसे लिख सकते हैं टू इंटू फाइव, फाइव पहले से ही पेयर बाहर निकालिए, ये हो जाएगा फाइव एक बार बाहर आ गया और रूट में टू रह गया, आंसर है फाइव रूट टू। बी पार्ट देखते हैं इसका क्या है, ये थ्री प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस रूट थ्री, देखिए थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू थ्री, थ्री को रूट थ्री से करेंगे उसको लिखेंगे थ्री इंटू रूट थ्री, फिर इसको भी करेंगे थ्री इंटू रूट थ्री, फिर माइनस का है रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इस, ठीक है, तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री रूट थ्री प्लस थ्री रूट थ्री रहेगा, ये नाइन नहीं हो जाएगा, ये अलग अलग कैटेगरी है, और ये रूट में दो बार जाएंगे एक बार बाहर आ जाएगा, ये कट गया इससे, नाइन माइनस थ्री नौ में से थ्री गया सिक्स आया, क्लियर हो गया। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट ये है रूट सिक्स को रूट थ्री प्लस टू से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा रूट में सिक्स इंटू थ्री इस तरह से प्लस टू रूट सिक्स, ये अंदर टू नहीं जाएगा अलग कैटेगरी है ये, तो सिक्स को हम ले सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू थ्री, क्लियर है, प्लस टू रूट सिक्स, इसका पेयर का एक बार रूट से बाहर आ जाएगा थ्री, थ्री रूट टू प्लस टू रूट सिक्स, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास ये आंसर आया। चलिए आगे देखते हैं डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में डिवीजन का क्वेश्चन है, डी पार्ट क्या है रूट फिफ्टीन डिवाइड रूट फाइव, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं फिफ्टीन बाय फाइव, फाइव थ्री जब फिफ्टीन तो रूट थ्री बच गया,
रूट से बाहर तो आ ही नहीं रहा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, ई पार्ट। ई क्या है, 7 रूट में है और 21 भी रूट में है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 7 × 21, यानी 7 × 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं ना, और ये पेयर बन गया, ये पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट से, तो 7√3 आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए एफ क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एफ क्या है, 18√15 डिवाइड 6√3। क्लियर। चलिए अब डिवाइड बोला तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18√15 को आप 3 × 5 भी लिख सकते हैं रूट में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और ये कट जाएंगे आराम से, इससे इसको आपको काटने में आसानी है, 6 × 6 = 3 है। तो अब हमारे पास आ गया 3√5 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन कीजिएगा, 3√5 डिवाइड बाय 2√5 क्या आंसर आएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइए कि जो आंसर आया वो रैशनल है कि इरेशनल है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा बच्चों, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट पे सभी आंसर हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन की आप देख लीजिए।